तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आप जो पुराने तौकलना ऐप है उसके माध्यम से नया तौकलना ऐप डाउनलोड करके कैसे उसमें आप अपना अपडेट करेंगे, क्योंकि आप कंपलसरी हो गया नया तौकलना ऐप जो है वो भी आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये मेरा पुराना तौकलना ऐप है, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन हो गया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्लिक हर टू ओपन द ऐप, यहाँ पे आपके मोबाइल में क्लिक हर टू डाउनलोड द ऐप लिखा रहेगा, क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड किया है ये तौकलना ऐप। तो आप इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपना एक्सेप्ट और थर्मस पे जाइए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद से ये जो सिटीजन है और रेसिडेंट है इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको इसमें अपना अफसर का आईडी चाहे अपना कामा नंबर, यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वही सेम पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद से एक्सेप्ट करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अगर आप इसमें और कुछ देखना चाहते हैं तो देखिए, नीचे फंक्शन कुछ दिए हुए हैं। ये सर्विस है, इस पर कुछ ऐसा एहसान डोनेशन सर्टिफिकेट मोबाइल नंबर ऐसा कुछ करके लिख के आएगा। आप जो चाहे वो देख सकते हैं। ये आपका जो है डॉक्यूमेंट, इसमें आप जाएंगे डिजिटल डॉक्यूमेंट में आपका अकामा नंबर आ जाएगा। डैशबोर्ड में जाएंगे तो अगर आपके गाड़ी का लाइसेंस है, गाड़ी है आपके पास, इंश्योरेंस जो भी है, तो ये सब आ जाएगा। आपका पासपोर्ट, नेशनल एड्रेस वगैरह वगैरह, ट्रेवल रिकॉर्ड अगर आप कहीं आए गए हैं तो भी इसमें एड करके आ जाएगा। देखिए, एक लिख के आ रहा है तो मैं एक बार अपना इंडिया गया हूँ आया हूँ तो आ रहा है। चलिए, वीडियो में बस इतना ही है। आसान है, आप भी कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए और फटाक से अपना अपडेट कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।